भारतीय क्रिकेट टीम के कोच की तलाश तय समय से पहले ही पूरी हो सकती है। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है कि कोच के नाम का ऐलान आज शाम तक कर दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच पद की रेस में अनिल कुंबले और रवि शास्त्री को तरजीह दी जा रही है। धर्मशाला में हो रहे बीसीसीआई के पहले सालाना कॉन्क्लेव में ठाकुर ने कहा कि भारतीय टीम के नए कोच का ऐलान आज कर दिया जाएगा। वहीं बीसीसीआई ने क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी को टीम इंडिया का कोच चुनने की जिम्मेदारी दी थी। इस कमेटी की अध्यक्षता संजय जगदाले कर रहे हैं और उनके साथ इस कमेटी में पूर्व भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण जैसे सितारे शामिल हैं। पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले इस पद के लिए प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो बीसीसीआई के एक कद्दावर शख्स ने भी अनिल कुंबले का समर्थन किया है। वो चाहते हैं कि पूर्व निदेशक रवि शास्त्री की बजाय अनिल कुंबले को ही भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी सौंपी जाए। जब धर्मशाला में हिंदुस्तान का पहला एनुअल कॉन्क्लेव, क्रिकेट कॉन्क्लेव हो रहा है, तो उसके तीसरे दिन हमारा प्रयास है कि उसकी घोषणा हो जाए, जो आज है, और आशा करते हैं आज शाम से पहले पहले उसकी घोषणा हो जाएगी।